हाँ तो भाई, आप सभी का ऑल एग्जाम लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं हूँ आपके साथ राजेंद्र प्रसाद स्वामी और आज हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे राजस्थान की लोक कलाओं की। और लोक कलाओं में देखिए सामान्यतः दो टॉपिक होते हैं, एक होती है राजस्थान की हस्तकला और एक होती है राजस्थान की लोक कला में चित्रकला। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की चित्रकला। तो भाई देखिए, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके जो क्वेश्चन की जो सीरीज है मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो आप एक बार भाई सभी जुड़ जाइए, सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राम राम, नमस्कार, राधे राधे। तो भाई एक बार सभी आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और सभी एक बार लाइव जुड़ जाइए। हाँ जी, डुगु डिम्पी जी गुड इवनिंग, नरेंद्र बुर्डक हाँ जी गुड इवनिंग, भाई सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। देखिए भाई, आज का पहला क्वेश्चन है राजस्थान में भित्ति चित्रों की चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे क्या कहा जाता है। तो भाई आपके सामने ऑप्शन है फड़ चित्रकला, या फिर सांझी चित्रकला, या फिर मांडना चित्रकला, या फिर अरायस चित्रकला। तो बताइए भाई कौन सी आपके भित्ति चित्रों की चिरकाल तक रखने के लिए आपकी एक कला है जिसे आलेखन पद्धति कहा जाता है, या फिर आप इनमें से कोई सा ऑप्शन बताइए। हाँ जी, तो देखिए जितेंद्र चौधरी जी का जवाब आ रहा है डी ऑप्शन। तो भाई बाकी अन्य लोग भी बताइए। देखिए भाई, जो भित्ति चित्र होते हैं, भित्ति चित्रों का मतलब आप समझिए। हाँ जी बिल्कुल, आरएस पद्धति, आला गीला पद्धति, मोराक्सी पद्धति, इटली से आगमन। हाँ जी बिल्कुल जितेंद्र चौधरी जी, डी भरतपुर के गुजर, डी यानी आरएस पद्धति और आला गीला, बिल्कुल। पृथ्वी मीना जी डी, गोकुल चंद जी डी। अजी सर मैंने बात की है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है भाग सिंह जी, गुजर जी, तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसके लिए ऐप में काम चालू है ना, तो आप चिंता ना करें, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। हाँ जी पुष्पा शर्मा जी डी, भाग सिंह जी गुजर डी, रोहितास जी सिंसनवार अरायस, और पूजा शर्मा जी डी। अच्छा नरेंद्र बुर्दक जी पता नहीं, तो देखिए हम बता देते हैं। देखिए भाई, आलेखन पद्धति यानी चिरकाल तक जीवित रखने के लिए दीवार पर क्या करते हैं, यानी आपके एक आला गीला पद्धति, इसे क्या कहा जाता भाई। हाँ जी गुड्डू यादव, मन यादव, हाँ जी भाई गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। देख भाई, दीवार पर क्या होती है, एक तरीके से एक सफेद पेंटिंग की जाती है और उसके बाद इस पर क्या किया जाता है, चित्र बनाए जाते हैं। और फिर ये जो चित्र होते हैं, जो पेंटिंग तो होती है वो तो सूख जाती है और चित्र ऐसे कैसे रह जाते हैं, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है भाई अरायस पद्धति। यानी आपके ये कोई दीवार हो गई, इस पर क्या करते हैं, बिल्कुल ऐसे सफेदी से कर देते हैं, फिर यहां पर कुछ चित्र बना देते हैं और जो चित्र है, बाकी का जो बाकी हिस्सा है वो तो आपके सूख जाता है और यहां पर जो चित्र है ये थोड़ा उभर करके ज्यादा सामने आते हैं, इसे क्या कहा जाता है, अरायस पद्धति कहा जाता है। अरायस पद्धति को क्या कहा जाता है, मोराक्सी पद्धति भी कहा जाता है, मोराक्सी पद्धति भी कहा जाता है, इसे ही फ्रेस्को बुर्नो पद्धति भी कहा जाता है। कौन सी पद्धति, नाम याद रखना भाई, फ्रेस्को बुर्नो पद्धति कहा जाता है। इसे ही आला गीला पद्धति कहा जाता है, आला गीला पद्धति कहा जाता है। और देखिए आप एक कला देखेंगे, कौन सी, मथेरण कला, बीकानेर की है, इसमें भी वही कौन सी, यही आपके अरायस पद्धति और मोराक्सी, फ्रेस्को बुर्नो, आला गीला पद्धति, ये आपके सब काम में ली जाती है। हाँ जी पायल शर्मा जी डी आंसर बिल्कुल आपका सही है। देखिए फड़, फड़ क्या होती है भाई, फड़ किसी कपड़े पर किसी देवी देवताओं के जीवन से और उनका जो अंतिम समय होता है वहां तक का उनकी जो जीवन गाथा होती है उसका जो वर्णन किया जाता है, किसमें किया जाता है भाई, ये भाई फड़ का, यानी देखिए ऐप का काम चल रहा है ना, भाग सिंह जी गुजर जी मैंने बताया आपको कि ऐप का काम चल रहा है, तो मैंने सर से बात की है, मतलब है, तो आपका जो ऐप का काम जैसे ही कंप्लीट होता है तो आपकी जो समस्या है वो सोल्व हो जाएगी, है ना। तो देखिए फड़ क्या होती है, किसी कपड़े पर, सांझी चित्रण क्या होता है भाई, किसी दीवार पर, यानी किसी दीवार पर बिल्कुल सफेद प्लास्टर करके इस पर क्या होती है, माता पार्वती या फिर मोर मोरनी या फिर शिव जी की जो तस्वीरें बनाई जाती हैं इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है भाई अपने सांझी चित्रण। मांडना क्या होता है, मांडना भी आपने देखा होगा कि जैसे अपने परिवार में भी आपके मांडने बनाए जाते हैं, तो यानी मांडना पद्धति भी यानी इसी प्रकार से आपके मांडने हो जाते हैं, सुंदर सुंदर मांडने बनाए जाते हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था कि राजस्थान में भित्ति चित्रों की चिरकाल तक जीवित रखने के लिए ये क्या होती है, आला किला। मैंने देखिए क्या बताया कि देखिए आप किसी दीवार को प्लास्टर करेंगे, कलर करेंगे और यहां पर चित्र बनाएंगे, चित्र तो रह जाएगा बाकी आपका कलर मिट जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाँ जी मुन्ना चंदूलाल जी बिल्कुल, ये तो आपके मुन्ना लाल जी, चंदूलाल जी मथेरण कला वाले हैं, है ना।
आगे देखिए भाई, फिर से आपके सामने एक क्वेश्चन है कि किस चित्रकला शैली में पुरुषों पर चोट व चेचक के दाग, यानी चेचक के दाग प्रदर्शित हैं, तो बताइए भाई। हाँ, मुन्ना लाल जी, मुकुंद लाल जी, चंदू लाल जी, ये लाल ही लाल है तीनों, है ना। मुकुंद को भी आप लाल करके पढ़ा करें, जिससे आपको याद हो जाएगा, मुन्ना लाल, मुकुंद लाल, चंदू लाल, ऐसे। भाई देखिए, किस चित्रकला शैली में पुरुषों पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित हैं, तो बताइए भाई, चेचक के दाग। और आज तो देखिए, चेचक की देवी किसे कहा जाता है, यानी चेचक की निवारक देवी शीतला माता को कहा जाता है। तो आज आपके शीतलाष्टमी भी है, आपको जैसे राजस्थानी मेले त्योहारों में आपने पढ़ा होगा, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी, चाकसू में आज मेला लग रहा है आपके, तो वहीं आपके चेचक वाली देवी। तो अब आप थोड़ा सा सोचिए, इसमें कहां पर है चेचक वाली देवी का मंदिर, तो बताइए भाई, किस चित्रकला शैली में पुरुषों पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित हैं, तो फटाफट से इसका जवाब दीजिए। मैंने कुछ इशारे इशारों में आपको बताने की भी कोशिश की है। रोहितास जी सिंसनवार बी जवाब दे रहे हैं, यानी मेवाड़, जो कि सही नहीं होगा। सुनीता शर्मा जी भी बी बता रहे हैं। हाँ जी भाई, इसका जवाब दीजिए एक बार सभी। सुनीता शर्मा जी, पूजा शर्मा जी, देखिए वैसे आज गुड्डू यादव जी, आपके जो चैत्र कृष्ण अष्टमी है वो आज ही मनाई जा रही है, यानी शीतला अष्टमी एक तरीके से। हाँ, मेला परसों होगा, लेकिन तिथियों के अनुसार आज ही है। पुष्पा शर्मा जी डी। तो भाई देखिए, इसमें आपका जयपुर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाता है, यानी पुरुषों पर चोट व जो चेचक के दाग हैं, ये कौन सी शैली में मिलते हैं हमें, जयपुर शैली में मिलते हैं। आगे देखते हैं, मंडावा क्यों प्रसिद्ध है, तो इसका जवाब दीजिए भाई, मंडावा क्यों प्रसिद्ध है, तो मंडावा आपके सामने ऑप्शन है भित्ति चित्रण के कारण, मंदिरों के कारण, या अभ्यारण के कारण, या फिर झील के कारण, तो बताइए भाई फटाफट से। भाई इसका जवाब दीजिए आप फटाफट से, मंडावा क्यों प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रण के कारण, मंदिरों के कारण, या अभ्यारण के कारण, या फिर झीलों के कारण। हाँ तो भाई देखिए, मंडावा जो है अपने शेखावाटी में पड़ता है, यानी झुंझुनू में पड़ता है, तो झुंझुनू के जो चित्र हैं, शेखावाटी के जो चित्र हैं, ये कैसे कहलाते हैं भाई, ये कहलाते हैं अपने, यानी भित्ति चित्र कहलाते हैं, कैसे कहलाते हैं, भित्ति चित्र। और भित्ति चित्र कहां के प्रसिद्ध है, अपने शेखावाटी के प्रसिद्ध है, कहां के प्रसिद्ध भाई, शेखावाटी के। भित्ति चित्र कहां के प्रसिद्ध है, शेखावाटी के। और यदि मैं बात करूं शैल चित्र, और शैल चित्र कहां के प्रसिद्ध है भाई, शैल का मतलब आपके पर्वतों पर जो चित्र बनाए गए हैं वो कहां के हैं भाई, शैल चित्र है अपने कोटा शैली के, और कोटा में भी कहां पर, आलनिया, ठीक है भाई। अब देखिए, सोने जो चांदी के चित्र हैं, सोने चांदी के चित्र, सोने चांदी के चित्र, और ये कहां के प्रसिद्ध भाई, आपके मेहणसर गांव झुंझुनू, मेहणसर गांव झुंझुनू में भित्ति चित्र बनाए गए हैं, ठीक है भाई। और आपके पिछवाइयां जो चित्र शैली है, ये कहां की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, ठीक है भाई। तो देखिए, मंडावा क्यों प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रों के लिए, और शैल चित्र कहां प्रसिद्ध है, कोटा के, सोना चांदी के जो चित्र बने हुए हैं, यानी सोना चांदी से बनाए हुए हैं, और ये मेहणसर गांव आपके झुंझुनू में है, और पिछवाइया कहां की है, आपके नाथ द्वारा राजसमंद की है। हाँ जी भाई, जिनका भी ए जवाब है वो बिल्कुल सही है सभी के सभी। आगे हम बढ़ते हैं, तो हमारे सामने फिर से एक क्वेश्चन है, शेखावाटी क्षेत्र किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, तो बताइए भाई फटाफट से। शेखावाटी क्षेत्र मैंने अभी आपको बताया भी है, तो इसका जवाब दीजिए फोर्थ क्वेश्चन में। हाँ जी, सोना चांदी की गोयनका की हवेली। अब इसी प्रकार से जैसे कि देखिए, आभूषणों की जो स्याही होती है, उसके जो चित्र मिलेंगे हमें कहां पर मिलेंगे, अलवर शैली के, यानी जो आपके विनय सिंह होते हैं महाराजा, उन्होंने क्या किया कि
कि अलवर शैली में जो आभूषण होते हैं उनकी जो स्याही होती है उनके माध्यम से यहाँ पर चित्र बनवाए गए, कौन सी शैली में? अलवर शैली में। इसका जवाब दीजिए भाई, शेखावटी क्षेत्र यानी क्षेत्र किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन है आपके पास मांडना, बी है बनी ठनी के चित्र के लिए, सी है भित्ति चित्रों के लिए और डी है उक्त कोई नहीं। हाँ जी, करण सिंह सैनी सिकारी सिकराय, आपका नाम सिकारी थोड़ा लगता है इसमें, मतलब सिकराय है ना, तो भाई भरतपुर के गुजर सी जवाब दे रहे हैं। और जितेंद्र चौधरी जी सी, पूजा शर्मा जी सी, गुड्डू यादव जी सी, अजय सिंह जी सी, नरेंद्र बुर्दक सी, पृथ्वी मीना जी सी, सीलाबाई मीना जी सी, गोकुलचंद जी सी, बिल्कुल रोहिताज जी सेंसनवार जी, भट्ट आप क्या लिख रहे हैं, भित्ती भिट्टी है ना, तो भित्ति चित्रों के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए, बिल्कुल भाई भित्ति चित्रों के लिए आपके शेखावटी के जो चित्र है ये प्रसिद्ध है। आगे हम बात करते हैं, तो देखिए श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूरने के जो चित्रकार थे ये कौन थे? इसका जवाब दीजिए भाई फटाफट से, श्रावक प्रतिक्रमण। हाँ जी, नरेंद्र बुर्दक सी सही है, लेकिन वो चौथे का था ना, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूरने के चित्रकार कौन थे? इसका जवाब दीजिए आप फटाफट से, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूरने के चित्रकार कौन है? देखिए भाई थोड़ा सा हम इनके बारे में बातें कर लेते हैं। ये कौन थे भाई? मेवाड़ जो चित्र शैली थी उसमें आपका एक स्वर्ण काल आता है, किसके काल में? जगत सिंह के काल में। और ये दोनों जो कलाकार थे आपके, ये किसके काल में थे? जगत सिंह के काल में थे। कमल चंद्र जो थे ये किसके काल में थे? रावल तेज सिंह के काल में थे। किसके काल में थे भाई? रावल तेज सिंह के काल में थे। और ये बात करें तो महाराणा मोक्कल और महाराणा कुंभा के काल में थे। ठीक है भाई, मोक्कल और कुंभा के काल में। ये चारों के चारों चित्रकार कहां के हैं? ये चित्रकार हैं भाई अपने मेवाड़ के चित्रकार हैं। हाँ जी, नरेंद्र बुर्दक जी सी, गोकुलचंद जी सी, भरतपुर के गुजर सी, सुनील कृष्णा सैनी, कमल चंद्र जी। तो भाई बिल्कुल देखिए, जो कमल चंद्र है इसका जो चित्र है वो कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है। और रावल तेज सिंह का काल कब था भाई अपने? यानी 1260 ईस्वी के आसपास आता है। तो 1260 ईस्वी में इसने कमल चंद्र ने कौन सा चित्र बनाया था? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी बनाया था। कौन सा बनाया था भाई? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी बनाया था। हाँ जी बिल्कुल भाई, रावल तेज सिंह के काल में। अजय सिंह जी बिल्कुल सही है। साहिबद्दीन जो चित्रकार था ये कौन सा चित्र बनाया था भाई? यहां पर राग माला, राग रागिनी, ठीक है भाई, इनके चित्र बनाता है। और बात करें रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, सुकर क्षेत्र महात्म्य, लिख लीजिए भाई आप सुकर क्षेत्र महात्म्य, बहुत अच्छा चित्रकार हुआ था साहिबद्दीन। और यदि बात करें भ्रमर सार गीत, भ्रमर सार गीत, इस प्रकार से इसके कुछ चित्र होते हैं। अब यदि हम बात करें मनोहर की, तो मनोहर किस पर चित्र बनाता भाई? आर्स रामायण पर, यानी आर्स रामायण पर चित्र बनाता है। और देखिए जो मेवाड़ शैली है उस पर रामायण महाभारत पे बहुत सारे चित्र बने हुए हैं। अनिल बिश्नोई जी सांगवाड़ा जी, बिल्कुल आप पहली बार आए हैं लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, आप थोड़ी देर कुछ देर डटिए यहां पर, तो सारी की सारी जो आपकी चित्रकला है ये इसी में कंप्लीट हो जाएगी। मैं चित्रकला के माध्यम से ही आपके सारे के सारे चित्रकार और जो भी आपकी जो चित्रकला शैली है उसको यहां पर कंप्लीट करने वाला हूं। और हमारी इस क्लास की विशेषता भी यही है कि हम क्वेश्चन के माध्यम से, देखिए आधा घंटा हो गया लगभग लेकिन 5 क्वेश्चन तक पहुंचे हम, तो इसका मतलब है कि हम थोड़ा सोल्व करते हैं सारे के सारे प्रश्नों को 360 डिग्री के माध्यम से। तो देखिए मनोहर कौन सा चित्र बनाता है? आर्स रामायण चित्र बनाता है। हीरानंद की बात करें तो हीरानंद कौन सा चित्र बनाता भाई? हीरानंद अपने चित्रकार, ये देखिए सबसे पहले हम बात करें हीरानंद की, तो हीरानंद कौन होता है? महाराणा कुंभा का, महाराणा कुंभा का गुरु होता है, ठीक है। और ये कौन सा चित्र बनाता है? सुपाश नाह चरित्रम, सुपाश नाह चरित्रम। और ये कब का चित्र है भाई? 1423 का, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूरने के चित्रकार तो कौन होते हैं? कमल चंद्र होते हैं। और हीरानंद किसके होते हैं? सुपासना चरित्र, महाराणा कुंभा के काल में। और हीरानंद ने यह चित्र कब बनाया था? महाराणा मोक्कल के काल में। कब बनाया था भाई? महाराणा मोक्कल के काल में, ठीक है भाई। यहां तक कंप्लीट, आगे देखते हैं।
तो फिर से हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कला पारखी एरिक डिक्सन द्वारा किस चित्र को भारतीय कला इतिहास की मोनालिसा कहा जाता है? तो भाई इसका जवाब दीजिए कि प्रसिद्ध कला पारखी यानी ये भी कलाकार थे, चित्रकार थे, एरिक डिक्सन, किस चित्र को भारतीय कला इतिहास की मोनालिसा कहा है? तो आपके सामने ऑप्शन है बणी ठणी, रागमाला, सुपासना चरियम और या चरित्रम या फिर पिछवाइया। तो इसका जवाब दीजिए भाई फटाफट से कि प्रसिद्ध कला पारखी एरिक डिक्सन द्वारा किस चित्र को भारतीय कला इतिहास की मोनालिसा कहा है। हाँ जी, करण सिंह सैनी जी ए, भरतपुर के गुजर ए, सिलारा बाई मीना ए, भाग सिंह जी गुजर ए, पृथ्वी मीना जी ए, सुनीता शर्मा जी ए और अनिल बिश्नोई जी सांगवाड़ा ए, पूजा शर्मा जी ए, पुष्पा शर्मा जी ए, नरेंद्र बुर्डक ए, अजय सिंह जी ए। भाई देखिए, हाँ जी, करण सिंह जी, स्वामी कैलाश जी, बिल्कुल भाई सभी को गुड इवनिंग। हाँ तो भाई देखिए, आप सभी का जो जवाब आ रहा है, हाँ जी, सुनील कृष्णा सैनी जी ए, बणी ठणी। तो भाई देखिए, जो बणी ठणी है ये कौन थी, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हाँ बिल्कुल भाई, भाग सिंह जी गुजर, बणी ठणी या किशनगढ़ शैली की, यानी इसे क्या कहा जाता है, राजस्थान की नहीं बल्कि क्या कहा जाता है, भारतीय कला इतिहास की मोनालिसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सावंत सिंह या फिर नागरी दास की प्रेमिका होती है। और सावंत सिंह कहां का राजा होता है? आपके किशनगढ़ का राजा होता है। देखिए भाई, किशनगढ़ जो शैली अपनी, कौन सी शैली? किशनगढ़ शैली। और देखिए यहां पर हम बात करेंगे मारवाड़ स्कूल की। देखिए अपने चार स्कूल है, कितने स्कूल है भाई चित्रकला में? चार स्कूल हैं। कौन कौन सा, यानी हम बात करें स्कूलों की, तो चार स्कूल है राजस्थान में। तो देखिए, पहली है अपने मेवाड़ स्कूल, एक है मारवाड़ स्कूल, एक है ढूंढाड़ स्कूल और एक है हाड़ोत स्कूल। अब देखिए, मेवाड़ स्कूल में कौन कौन सी चित्रकला की शैली आती है, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि मारवाड़ स्कूल में कौन कौन सी चित्रकला शैली आती है। देखिए भाई, जो स्कूल हमने क्यों कहा कि ये पूरी की पूरी जो मारवाड़ है ये एक पूरा क्षेत्र है और इसमें अलग अलग चित्र शैलियां हैं, ठीक है भाई। जैसे जयपुर है और यहां पर अलग अलग प्रकार की कोचिंग है, तो हम कह दें कि जयपुर की कोचिंग्स है ना, इसी प्रकार से तो यहां पर फिर क्या है, अलग अलग आपको कोचिंग्स मिल जाएंगे। अब देखिए, मारवाड़ स्कूल एक मुख्य चीज हो जाती है। फिर क्या होती है भाई, यहां पर आपको कुछ अलग अन्य शैलियां मिलती है, जैसे कि आपको जोधपुर शैली, कौन सी शैली मिलती है भाई? जोधपुर शैली। एक मिलती है आपको बीकानेर शैली, कौन सी? बीकानेर शैली। एक मिलती है आपको जैसलमेर, यानी पश्चिमी राजस्थान वाला क्षेत्र ले लीजिए। फिर आपको मिलता है नागौर शैली, कौन सी शैली मिलती है भाई? नागौर शैली मिलती है। एक मिलती है आपको किशनगढ़ शैली और एक मिलती है आपको अजमेर शैली। ये यहां पर राजस्थान के जो मारवाड़ स्कूल है इसमें छह स्कूल होते हैं, यानी छह शैलियां होती है। कितनी शैलियां होती है भाई? छह शैलियां। अब हम बात करेंगे कौन सी शैली के बारे में? किशनगढ़ शैली के बारे में। और किशनगढ़ शैली में जो किशनगढ़ शैली का एक राजा होता है, जिसका क्या नाम होता है भाई? नागरी दास होता है। नागरी दास या फिर इसे ही क्या कहा जाता है? सावंत सिंह कहा जाता है। और जो सावंत सिंह होता है किसकी भक्ति में लीन होता है भाई? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होता है और वल्लभ संप्रदाय से क्या होता है भाई? ये दीक्षित होता है, यानी वल्लभ संप्रदाय को बहुत अधिक प्रेम करता है एक तरीके से। और किसे प्रेम करता है भाई? नागरी दास प्रेम करता है अपने बणी ठणी को। और बणी ठणी का वास्तविक नाम क्या था? रसिक कुंवरी था। क्या नाम था भाई? रसिक कुंवरी। और रसिक कुंवरी बहुत सुंदर महिला थी और इसलिए जो नागरी दास है इसका चित्र किस नाम से बनवाता है? यानी रसिक बिहारी के नाम से बनवाता है। किसके नाम से बनवाता भाई? रसिक बिहारी या रसिक कुंवरी या फिर बणी ठणी के नाम से बनवाता है। और रसिक कुंवरी क्या थी? कवित्री भी थी, साहित्यकार भी थी। ये सब चीजें कौन है भाई? ये आपके रसिक बिहारी थी, ठीक है। तो रसिक बिहारी बहुत सुंदर थी, इसलिए आपका जो नागरी दास है इसे प्रेम करता था। और इसका जो चित्र है भाई, रसिक बिहारी या फिर बणी ठणी का चित्र, आपके एक चित्रकार होता है बहुत प्रसिद्ध, मोर ध्वज निहाल चंद। क्या नाम होता भाई? मोर ध्वज निहाल चंद के नाम, यानी मोर ध्वज निहाल चंद होता है, उसके माध्यम से इस चित्र का निर्माण करवाता है और जिसे क्या कहा गया? भारतीय कला इतिहास की मोनालिसा कहा जाता है। हाँ जी, अनिल बिश्नोई जी सांगवाड़ा, बिल्कुल मोर ध्वज निहाल चंद इस, यानी इस चित्र के आपके चित्रकार थे। यहां तक कंप्लीट भाई। अब देखिए, जो रागमाला चित्र है, ये रागमाला का जो चित्र है आपके सभी शैलियों में बना है। हाँ जी भाई, सभी शैलियों में आपके बना हुआ है। मेवाड़ चित्र शैली का सबसे बड़ा जो चित्रित सेट है वो कौन सा है भाई? रागमाला है। इसका निर्माण कौन करता है मेवाड़ शैली में? तो आपके करता है नुसरुद्दीन। कौन करता भाई? नुसरुद्दीन करता है। और किसके काल में करता है ये हम बात करें? अमर सिंह के काल में। जब अमर सिंह यानी महाराणा प्रताप के बाद कौन सा शासक आता है? अमर सिंह आता है। तो अमर सिंह के काल में नुसरुद्दीन होता है। नुसरुद्दीन क्या करता भाई? हाँ जी भाई, 4 मई 1973 में डाक टिकट जारी करता है इस पर
ठीक है, 20 पैसे का डाक टिकट जारी करता है, और किस नाम से करता है अनिल बिश्नोई जी? राधा किशनगढ़ के नाम से जारी करता है। तो यहां तक हमने इसके बारे में बात की। तो ये रागमाला का चित्रण कौन करता है भाई? अमर सिंह करता है। मेवाड़ का सबसे बड़ा चित्रित सेट कौन सा है? आपके रागमाला है। और एक रागमाला का चित्र कहां बनता है? कोटा शैली में बनता है। और कोटा शैली का जो चित्र बनाता है वो कौन बनाता है? चित्रकार डालू बनाता है। एक रागमाला का चित्र कहां बनता है भाई? आपके मारवाड़ शैली में बनता है, जिसे वीर जी बनाते हैं 16वीं सदी में। और वो कहां पर बनाते हैं वीर जी? पाली में बनाते हैं। तो इस प्रकार से रागमाला के तीन प्रमुख चित्र होते हैं। सुपास नाहचरित्रम के बारे में हमने बात की थी अभी कि हीरानंद बनाता है, और पिछवाइया तो आप जानते ही हो कि नाथ द्वारा में भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति होती है, मूर्ति के पीछे एक कपड़े के पर्दे पर आपके पिछवाइयां बनाई जाती हैं। तो यहां तक कंप्लीट हो गया भाई, ठीक है। तो देखिए, ये हो गई आपके एरिक डिक्सन द्वारा भारतीय कला इतिहास की मोनालिसा, और इसे क्या कहा जाता है? बनी ठनी को मोनालिसा कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? मोनालिसा। कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। तो फिर से हमारे सामने क्वेश्चन है, हरा रंग किस शैली में प्रधान रंग है? तो भाई हरा रंग बताइए फटाफट से, हरा रंग किस शैली में प्रधान रंग है? तो इसके बारे में बताइए भाई। देखिए भाई, जयपुरी शैली में आप जवाब दीजिए एक बार फटाफट से, फिर मैं बताता हूं। हरा रंग किस शैली में प्रधान रंग रहा है? हाँ तो भाई जवाब दीजिए, फटाफट से जवाब दीजिए। कहां आप बिजी हो गए सारे के सारे विद्यार्थी, एक बार जवाब दीजिए। सभी को फिर से गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राम राम। अब इसका कमेंट करके बताइए भाई फटाफट से। देखिए भाई, मैं बताता हूं, जो जयपुर शैली है इसमें देखिए, और उससे पहले हम देखते हैं मेवाड़ शैली। देखिए भाई, जो मेवाड़ी राणा थे ये क्या करते थे, इन पर जब भी मुगल लोग आते थे और आक्रमण करने के सोचते थे तो ये लाल पीले हो जाते थे। क्या हो जाते थे भाई? लाल पीले हो जाते थे। तो मेवाड़ शैली में कौन से रंग प्रयोग किए जाते थे? लाल पीले रंग प्रयोग किए जाते थे। कौन सा? लाल पीला रंग आपके प्रयोग किया जाता था। कौन सी शैली में? मेवाड़ शैली में। अब देखिए, जब भी इनको बोलते कि आप हमसे, हाँ जी बिल्कुल, आपके सर बनी ठनी का श्रेय डॉक्टर फैयाज अली को भी जाता है क्या? बिल्कुल भाई, दोनों को जाता है, एरिक डिक्सन और फैयाज अली दोनों को जाता है। यानी उन्होंने इस चित्रकला को खोजा था, आपके किशनगढ़ में आकर वो घूम रहे थे एक दिन अचानक ऐसे ही, और बस उनको एक चित्र दिखता है और चित्र देख करके वो मतलब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बनी ठनी का जो चित्र है भाई, इस प्रकार से आपके 36.6 सेमी तो आपके इस प्रकार से चौड़ाई होती है, और 48.8 सेमी का ये चौड़ा चित्र होता है। तो बनी ठनी आप नेट पर सर्च करके देखना, है ना। यहां अब ज्यादा बातें, अपना टाइम हो जाएगा, है ना। तो इसलिए भाई आप नेट पर सर्च करके देखना, बहुत सुंदर महिला का चित्र है। यानी मोनालिसा जो है ना, लियोनार्डो द विंची की, वो दूसरी मोनालिसा आपने इसे ही कहा जाता है। शीला भाई मीना जी डी जवाब दे रहे हैं। तो मैं, हम कहां थे? देखिए आपने थोड़ा सा कुछ अलग बता दिया, तो उस को सोल करने के चक्कर में कहां पहुंच गए हम। तो मेवाड़ शैली में देखिए भाई, जब भी मुगल कहते कि हमसे संधि कर लो, तो मेवाड़ी राणा क्या हो जाते भाई? लाल पीले हो जाते, इनकी आंखें लाल पीली हो जाती, गुस्से में खतरनाक हो जाते। फिर क्या करते? जयपुर वाले भी इनको फॉलो करते हैं। तो जयपुर वाले क्या करते भाई, जब भी इनको मुगल कहा करते, हाँ जी रूपेंद्र यादव जी नमस्ते, जब भी इनको मुगल कहा करते कि हमसे संधि कर लो, तो जयपुर वाले पहले क्या होते भाई, थोड़ा सा लाल होते, फिर थोड़ा सा पीला होते, यानी थोड़ा सा गुस्से में आते बेचारे, और फिर क्या होते, थोड़ा केसरिया करने की सोचते, लेकिन मुगलों की ताकत ज्यादा थी इनके सामने, तो फिर इनको क्या कर देते, हरे कर देते। कैसे कर देते? हरे कर देते। तो इसलिए जयपुर शैली में कोई कैसा कलर प्रयोग किया जाता है? लाल, पीला, केसरिया और हरा, यानी चार प्रकार के कलर यहां पर प्रयोग किए जाते हैं। तो यहां पर लिख लीजिए भाई, लाल, पीला, केसरिया, हरा। और जो जोधपुर शैली आपकी, उसमें भी कौन सा कलर प्रयोग किया जाता है भाई? आपका लाल पीला ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब किशनगढ़ जो शैली है, इसमें आपके विभिन्न प्रकार के कलर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि लाल, पीला, सभी के सभी साइडों में, जैसे कि ये जो चित्र है इसमें बहुत सारे कलर आपके प्रयोग किए गए हैं साइडों में, जैसे हल्के हल्के चित्र आपके प्रयोग किए जाते हैं, पीला कलर भी है, कहीं कहीं आपका नीला कलर भी मिलेगा, तो इसमें बहुत सारे कलर हैं। बूंदी शैली में कैसे प्रयोग किए जाते हैं भाई? आपका हरा रंग स्पेशल। देखिए, हरा रंग किस शैली में प्रधान रंग रहा है, इसको आप समझिए। प्रधान रंग, प्रधान रंग यानी सबसे अधिक जो रंग जिस शैली में, यानी बूंदी शैली में कौन सा प्रयोग किया गया है? हरा रंग। तो यहां तक कंप्लीट। आगे देखते भाई, रेखाओं का सर्वाधिक
सशक्त अंकन राजस्थान की किस चित्रकला शैली की विशेषताएं हैं? तो भाई इसका जवाब दीजिए आप, रेखाओं का सर्वाधिक सशक्त अंकन राजस्थान की किस चित्रकला शैली की विशेषता है? हाँ तो भाई इसका आप जवाब दीजिए फटाफट से कि रेखाओं का सशक्त अंकन राजस्थान की किस चित्रकला शैली की विशेषता है, तो आप इसका फटाफट से जवाब देने की कोशिश करें। इसका जवाब दीजिए भाई आप, रेखाओं का सर्वाधिक सशक्त अंकन राजस्थान की किस चित्रकला शैली की विशेषता है? ऑप्शन आपके सामने उदयपुर शैली, जोधपुर शैली, नाथद्वारा शैली और बूंदी शैली। देखिए भाई आप क्या करिए, एक बूंदी पकड़िए, क्या करिए, बूंदी पकड़िए किसी चित्र में और यहां पर आप बूंदी रख दीजिए, क्या कर दीजिए, बूंदी रख दीजिए और यहां पर देखिए पीछे चित्र के पीछे यहां से इस बूंदी को यहां तक ले आइए, है ना, इस प्रकार से। तो ये क्या है भाई, इसमें सुंदर सुंदर रेखाओं यानी सशक्त, जहां पर रेखाओं का प्रयोग करना था वो कौन सी शैली में है, आपके बूंदी शैली में आपके रेखाओं का बहुत सुंदर ढंग से प्रयोग किया गया है। यानी बूंदी, एक टिमकी लगाइए आप, बिंदी लगाइए और बिंदी को आगे खींच दीजिए, ठीक है भाई, इस प्रकार से कौन सी शैली होगी, अपने बूंदी शैली में जो रेखाएं हैं उनका सशक्त प्रयोग किया गया है। इस क्वेश्चन में इतना ही है, हमें बस इतना ही ध्यान रखना था, कंप्लीट भाई। तो पुष्पा शर्मा जी डी आपका आंसर सही है। आगे हम चर्चा करते हैं, तो देखिए राजस्थान में आदि मानव द्वारा उकेरे गए प्राचीनतम चित्रण रेखांकन कहां उपलब्ध हुए हैं? तो इसका जवाब दीजिए भाई, अभी मैंने आपको बताया भी था। हाँ जी शीला भाई मीना जी बिल्कुल ठीक है, इसका जवाब दीजिए आप फटाफट से कि राजस्थान में आदि मानव द्वारा उकेरे गए प्राचीनतम चित्रण रेखांकन कहां उपलब्ध हुए हैं? ऑप्शन है आपके पास कोटा में आलनिया नदी के किनारे एवं दर्रा एवं मुकुंदरा की पहाड़ियों में, नीमका थाना के पास कांतली नदी की पहाड़ियों में, बाड़मेर में मालानी की पहाड़ियों में, राजमेर के निकट नाग पहाड़ की तलहटी में। तो इसका जवाब दीजिए भाई नवे क्वेश्चन का आप फटाफट से। हाँ जी रोहितास जी सिंसनवार जी पिछले क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल बूंदी ही था, इसका जवाब दीजिए आप, और मैंने अभी आपको बताया भी था। हाँ बिल्कुल जवाब आने शुरू हो गए हैं, तो रोहितास जी सिंसनवार का जवाब आ रहा है कोटा आलनिया, पुष्पा शर्मा जी ए बता रहे हैं। हाँ जी पूजा शर्मा जी बिल्कुल ए, यानी जिनका भी जवाब आपका ए है कि कोटा में जो आलनिया नदी के किनारे, इसे क्या कहा जाता है, कोटा शैली को आलनिया शैली भी कहा जाता है, कोटा शैली की जो चित्र है उन्हें क्या कहा जाता है, आलनिया शैली भी कहा जाता है, और बूंदी जो शैली है उसे क्या कहा जाता है भाई आपके, यानी दुगारी शैली भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आगे, हाँ जी अजय सिंह जी, अनिल बिश्नोई जी, पृथ्वी मीना जी बिल्कुल ए, जिनका भी जवाब है सही है, शीला भाई मीना जी बिल्कुल आप सभी का जो ए है वो सही है। आगे हम चर्चा करते हैं कि देखिए आपके सारे के सारे क्वेश्चन यहीं पर क्लियर हो जाएंगे। हाँ जी कबू सैनी जी, पृथ्वी मीना जी बिल्कुल ए, आपका जवाब सभी का सही है। देखिए पोथीखाना संग्रहालय कहां पर स्थापित है, तो भाई पोथीखाना संग्रहालय कहां पर स्थापित है, इसका जवाब दीजिए, आपके पास ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर। तो भाई पोथीखाना संग्रहालय कहां पर स्थापित है, इसका आप जवाब दीजिए भाई फटाफट से। हाँ तो भाई पोथीखाना संग्रहालय आपका कहां पर स्थापित है, कबू सैनी जी बी, रोहितास जी सिंसनवार बी जवाब दे रहे हैं। पुष्पा शर्मा जी भी बी बता रहे हैं, सुनीता शर्मा जी भी बी, सविता वर्मा जी भी बी, रुपेंद्र यादव जी जयपुर। हाँ तो भाई बिल्कुल जयपुर में देखिए आपके पोथीखाना स्थापित है, यानी पोथीखाना संग्रहालय कहां पर है भाई, आपके जयपुर में है, और यहां पर कुछ और संस्थाएं हैं जैसे कि आपके पैग, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, ये पैग भी आपके यहीं पर है, क्लावरंत ये भी आपके यहीं पर है, आयाम भी आपके यहीं पर है, कौन सी भाई आयाम, तो ये तो हो गई भाई यहां पर। अब देखिए हम जोधपुर की बात करें, जैसलमेर की बात करें, तो यहां पर जैन जिन भद्र सूरी भंडार, जिन भद्र सूरी भंडार,
जिनभद्र सूरी भंडार आपके यहां पर स्थापित है। जोधपुर में बात करें तो मान पुस्तक संग्रहालय, इसमें चित्रकला भी है और आपके यानी चित्रकला के लिए है ये सब। मान पुस्तक संग्रहालय आपके, और उदयपुर में बात करें तो यहां पर है भाई टकमण 28, टकमण 28 और तुलिका परिषद, ये यहां की चित्रकला की संस्थाएं हैं, तुलिका परिषद। ठीक है भाई, और जैसे आपके आते रहेंगे तब हम चर्चा करते रहेंगे। हाँ जी मुकेश पोसवाल जी, नमस्कार जी, गुरुदेव पोथीखाना जयपुर में है। हाँ जी बिल्कुल, पोथीखाना जयपुर में है। तो देखिए ये यहां पर बाकी जो अन्य जो जिले हैं उनकी जो संस्थाएं हैं उनके बारे में हमने चर्चा की है। कोई बात नहीं सविता वर्मा जी, जयपुर में ही है ना। आगे हम चर्चा करते भाई, एक और हमारे सामने क्वेश्चन है कि किस चित्र शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया है। तो भाई इसका बताइए, यानी रसराज का चित्रण आपके कौन सी चित्र शैली में किया गया है, जो कि आपके मतीराम जो चित्रकार थे उनके द्वारा ये रचना आपके रचित है। तो भाई इसका आप जवाब दीजिए फटाफट से। हाँ जी नरेंद्र बुर्डक जी, रसराज का चित्रण, ये देखिए भाई जी, ये जो क्वेश्चन है ये आपके आए हुए हैं कुछ पिछले एग्जाम में और आने की संभावना भी है। हाँ जी उदयपुर में सरस्वती भंडार भी है। आगे आगे आपके आते रहेंगे, मैंने जैसे देखिए प्रश्न को थोड़ा थोड़ा आपको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा आगे बताते हुए आगे बढ़ा रहा हूं। तो वहां पर हमने चार जो जिले थे उनमें हल्के हल्के कुछ कुछ जो चित्रकला शैलियां थी उनके बारे में बात की, यानी चित्रकला की जो संस्थाएं थी उनके बारे में बात की है। तो भाई देखिए रुपेंद्र यादव जी अलवर बता रहे हैं और रोहितास जी सिंसनवार भी अलवर बता रहे हैं, लेकिन इसका जवाब किस चित्रकला शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु, यानी रसराज एक विषय के रूप में प्रयोग किया गया है, तो ये कौन सी शैली की विशेषता है? मारवाड़ की। तो भाई कौन सी शैली की है? मारवाड़ की विशेषता है। ठीक है, मारवाड़ का चित्र है ये, जो रसराज है ये कहां की है? मतीराम इसका रचना करते हैं रसराज की, तो कहां की है? मारवाड़ की। ठीक है भाई, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे सामने फिर से एक क्वेश्चन है, आदमकद और बड़े बड़े पोर्ट्रेट व भित्ति चित्रण की परंपरा किस शैली की विशिष्ट देन है? आदमकद और बड़े बड़े पोर्ट्रेट व भित्ति चित्रण की परंपरा किस शैली की विशिष्ट देन है? आपके सामने ऑप्शन है कोटा शैली, बूंदी शैली, अलवर शैली या फिर जयपुर शैली। तो भाई इसका जवाब दीजिए आप फटाफट से, कौन सी शैली की आपके आदमकद और बड़े बड़े पोर्ट्रेट व भित्ति चित्रण की परंपरा? भाई बड़े बड़े पोर्ट्रेट आपके किस शैली में बनाए गए हैं आप फटाफट से जवाब देंगे। राजेश पाटीदार जी बी बता रहे हैं। देखिए स्पेशल भित्ति चित्रण पूछे तब तो आपके कौन सा हो जाएगा? आपका शेखावटी हो जाएगा, लेकिन यहां पर क्या है भाई, यहां पर आपके आदमकद भी है। तो आदमकद जो चित्र बनाए गए ये कहां पर कौन सी शैली में बनाए गए? सभी के सभी जो आप जवाब दे रहे हैं गलत जवाब दे रहे हैं आप सभी। रोहितास जी सिंसनवार आपका जवाब बिल्कुल सटीक आ रहा है, यानी जयपुर। बिल्कुल भाई, जो जयपुर शैली है इसमें क्या बनाए जाते हैं? आदमकद शैली में आपके चित्र बनाए गए हैं, बड़े बड़े पोर्ट्रेट, यानी किसी भी व्यक्ति का जो चित्र है, यानी जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं आप मेरा चित्र बना लीजिए, तो ये कैसा चित्र हो जाएगा भाई? आदमकद चित्र हो जाएगा, यानी किसी व्यक्ति का उसी के अनुरूप आप चित्र बनाना। हाँ जी प्रदीप मीना जी नमस्ते। हाँ भाई नमस्ते। देखिए भाई आदमकद और बड़े बड़े पोर्ट्रेट व भित्ति चित्रण ये किसके काल में बनाए गए भाई? आपके सवाई जो ईश्वरी सिंह होते हैं इसके काल में बनाए जाते हैं। देखिए भाई ईश्वरी सिंह होता है इसके काल में आपके जयपुर शैली में चित्र बनाया जाता है। एक चित्रकार होता है भाई साहिब राम, क्या नाम होता है? साहिब राम। और एक होता है अपने लालचंद।
तो देखिए भाई, ये दो चित्रकार थे, बड़े इंपोर्टेंट थे। साहिब राम ने क्या किया कि ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया। क्या बनाया भाई? आदमकद चित्र बनाया, यानी साहिब राम का। ऐसे कैसे? यानी साहिब राम ने ईश्वरी सिंह का चित्र बनाया। लालचंद जयपुर शैली में किसके चित्र बनाया करता था? हाँ जी, प्रदीप मीना जी, डी बिल्कुल सही है। हाँ जी प्रदीप, नमस्ते भाई, सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राम राम। एक बार भाई आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। देखिए लालचंद जो है भाई, ये आपके पशु पक्षियों के चित्र बनाया करता था। किसके चित्र बनाया करता था? पशु पक्षियों की लड़ाई के चित्र, यानी पशुओं की लड़ाई। सीधा हम लिख लें, पशुओं की लड़ाई के चित्र। देखिए पहले क्या करते थे राजाओं को, क्या काम होते थे भाई? राजा बैठ जाते थे, ऐसे मैदान सजा देते थे और उसमें हाथी शेर आदि जानवरों की लड़ाई लड़वाया करते थे। और इसमें क्या होता था भाई, जो वहां पर चित्रकार होते थे उनकी लड़ाई को देख करके फिर चित्र बनाया करते थे। तो लालचंद किसके चित्र बनाने में प्रसिद्ध था? ये पशुओं की लड़ाई के चित्र बनाने में प्रसिद्ध था। और किसका? आपके हाथियों की लड़ाई का आपके सर्वाधिक चित्रण इसने किया है। और इसने किसका किया भाई? साहिब राम ने। साहिब राम ने किया भाई, आदमकद चित्र बनाया है। तो देखिये भित्ति चित्रण हुआ है जयपुर में भी, है ना, हल्का हुआ है, उतना नहीं हुआ जितना शेखावटी में हुआ है। लेकिन जहां पर आदमकद और भित्ति और बड़े बड़े पोर्ट्रेट आ जाएं, तब कौन सी शैली हो जाएगी? जयपुर शैली आ जाएगी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे सामने एक और क्वेश्चन है और इसका जवाब आप सभी देंगे। बनी ठनी पेंटिंग किस चित्र शैली से संबंधित है? तो इसका जवाब दीजिए भाई आप फटाफट से। बनी ठनी पेंटिंग किस चित्र शैली से संबंधित? आपके सामने ऑप्शन है जयपुर शैली, कोटा शैली, जोधपुर शैली या फिर डी ऑप्शन में किशनगढ़ शैली। तो बताइए भाई बनी ठनी, अभी अभी हमने इसके बारे में चर्चा भी की थी, कुछ नए स्टूडेंट भी जुड़ चुके हैं तो वे भी इनका जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो बताइए भाई फटाफट से। हाँ जी प्रदीप मीना जी, थैंक यू, आपका प्यार इसी प्रकार से बना रहे। आप तो रोजाना शाम 6 बजे ऑल एग्जाम लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 6 बजे रोजाना लाइव क्लास का आनंद लीजिए। हाँ जी प्रदीप मीना जी डी, अशोक कुमार पाटीदार जी डी, कबू सैनी जी डी और सुनीता शर्मा जी डी, बिल्कुल भाई, सविता वर्मा जी डी, पुष्पा शर्मा जी डी, अनिल बिश्नोई जी डी, भाई बिल्कुल, जिनका भी किशनगढ़ शैली है। अभी अभी हमने बनी ठनी का जो चित्र था इसके बारे में, हाँ जी क्वेश्चन रिपीट हो गया थोड़ा टाइपिंग, कोई बात नहीं, जिनका मतलब पहले पढ़ लिया कोई बात नहीं, जो नए विद्यार्थी है उनके लिए भी ये ठीक है। नरेंद्र बुर्डक जी, डी जवाब है इसका, है ना, ध्यान रखिए। प्रसिद्ध चित्र, अच्छा हाँ, तो भाई इसका जवाब दीजिए, कुछ नए विद्यार्थी जो जुड़ चुके हैं। अभी अभी हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी का चित्रांकन किसने किया? प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी का चित्रांकन किसने किया? तो भाई आप फटाफट से बताइए। तो देखिए भाई, अभी हमने इसके बारे में चर्चा भी की थी। साहिब दीन कहां का था भाई? आपके मेवाड़ चित्रशैली का था। ये देखिए आपके प्रसिद्ध चित्रकार हैं, मेवाड़ चित्रशैली का था। नागरीदास और निहालचंद कौन सी शैली के थे? ये आपके किशनगढ़ शैली के थे। बिल्कुल भाई आप सभी का जवाब सही है, किशनगढ़ शैली के थे। और निहालचंद यानी इसका और नाम क्या है? मोर ध्वज निहालचंद इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? मोर ध्वज निहालचंद कहा जाता है। अजी बनी ठनी का चित्रांकन किसने किया था? मोर ध्वज निहालचंद ने किया था। तो आप इसको ध्यान रखिए, मोर ध्वज निहालचंद ने। तो नागरीदास और निहालचंद दोनों आपके किशनगढ़ शैली के थे। ठीक है भाई, आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए इसी प्रकार से मोर ध्वज, सूर ध्वज, ये आपके सारे के सारे चित्रकार कहां पर मिलते हैं? आपके नागरीदास, लाडलीदास, ये चित्रकार आपके कौन सी शैली के मिलते हैं भाई? ये मिलते हैं आपके किशनगढ़ शैली के। हाँ जी सुनीता शर्मा जी, प्रदीप मीना जी, पवन शर्मा जी, पृथ्वी मीना जी, अजय सिंह जी, पुष्पा शर्मा जी, अनिल बिश्नोई जी, सभी का बिल्कुल सही जवाब है। नरेंद्र बुडक जी का भी जवाब इस बार तो सही आया है। राजपूत चित्रकला, देखिए वहीं आ गया क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिए भाई। मोहम्मद शाह और साहिब राम किस राजस्थानी चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हुए हैं? भाई मोहम्मद शाह और साहिब राम किस चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हुए हैं? इसका आप फटाफट से जवाब देंगे। इसका जवाब देना भाई 15वें क्वेश्चन का, यानी 16वें क्वेश्चन का। अभी अभी हमने इसके बारे में चर्चा भी की थी। देखिए क्वेश्चन बार बार में हम रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब है
कि कहीं ना कहीं कुछ अंदर इनके चीजें छुपी हुई है, तो उनकी हम चर्चा यहाँ कर रहे हैं। अनिल बिश्नोई जी का जवाब आ गया, राजेश पाटीदार भी जवाब बता रहे हैं ए जयपुर ऑप्शन, रोहितास जी अलवर बता रहे हैं, पवन शर्मा जी डी बता रहे हैं। हाँ जी भाई, देखिए अभी अभी हमने चर्चा की थी कि आदमकद चित्र या पोर्ट्रेट चित्र कौन से शैली में आपके बनाए गए हैं, तो आप विचार करिए और फटाफट से जवाब दीजिए। देखिए भाई, साहिब राम ने क्या बनाए थे, आपके आदमकद चित्र बनाए थे। क्या बनाए थे भाई? आदमकद चित्र बनाए थे, और आदमकद चित्र का मतलब होता है कि पूरे के पूरे आदमी का चित्र बना देना, ये क्या होता है आदमकद चित्र। और ये दोनों चित्रकार कौन से शैली से थे, आपके जयपुर शैली से थे। साहिब राम ईश्वरी सिंह का चित्रकार था, किसका था भाई, ईश्वरी सिंह का, ठीक है। एक मैंने अभी बताया था आपको लालचंद, ये कौन सी शैली के थे, आपके जयपुर शैली के चित्रकार थे। तो जिनका भी ए जवाब है भाई बिल्कुल सही है। आगे हम बढ़ते हैं, तो फिर से हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चित्रकार साहिबुद्दीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है, तो भाई इसका जवाब दीजिए भाई, साहिबुद्दीन किस चित्रकला शैली से आपके संबंधित है। कल का टॉपिक भी यही रहेगा, चित्रकला शैली, अपने क्या है चित्रकला शैली की चार स्कूल हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज तो देखिए मिले जुले क्वेश्चन आ रहे हैं, और मिले जुले क्वेश्चन कल भी आपके आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं अभी। तो प्रसिद्ध चित्रकार साहिबुद्दीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है, इसका आप जवाब दीजिए। देखिए पवन शर्मा जी, प्रदीप मीना जी सी जवाब दे रहे हैं, पुष्पा शर्मा जी सी, अनिल बिश्नोई जी सांगवाड़ा सी जवाब बता रहे हैं, अभी अभी हमने चर्चा भी की थी इसके बारे में। बिल्कुल भाई, जिनका भी राजेश पाटीदार जी, पवन शर्मा जी, कब्बू सैनी जी और रोहिता सिंसिनवार जी, बिल्कुल जगत सिंह के समय, यानी जिसे मेवाड़ चित्रकला शैली का सुरनकाल भी कहा जाता है, उसी के समय कौन सा चित्रकार था अपना, साहिबुद्दीन था, और साहिबुद्दीन था और एक मैंने बताया था मनोहर, है ना, ये दो चित्रकार थे। और कौन सी शैली का हो जाएगा, मेवाड़ चित्रकला शैली का हो जाएगा। मनोहर ने कौन से चित्र का निर्माण किया था भाई, आर्स रामायण का, और मेवाड़ चित्रकला शैली में यानी रामायण महाभारत के चित्र बहुत सारे बने हैं। देखिए भाई, साहिबुद्दीन ने कौन कौन से चित्रकार चित्र बनाए थे, राग रागिनी का चित्र बनाया था, कौन सा, राग रागिनी का चित्र बनाया था, और भी मैंने आपको बताया थे राग माला का भी बनाया था इसने, रसिक प्रिया भी बनाया था, भगवत पुराण पर भी बनाया था, है ना। तो आपके जो भी आपके धार्मिक ग्रंथ है सभी पर इसने बनाया था, गीत गोविंद, सुकर क्षेत्र महात्म्य, इसको याद रख लेना भाई, ये सारे के सारे चित्र इसके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तभी तो साहिबुद्दीन नहीं तो जो आपके जगत सिंह है। अच्छा सांगवाड़ा, तो भाई देखिए जगत सिंह है, तभी तो जगत सिंह का काल इन दोनों चित्रकारों के होने के कारण क्या कहलाता है, स्वर्ण काल कहलाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाए। तो देखिए भाई ये इनके कुछ प्रमुख चित्र हो जाते हैं। फिर से हमारे सामने क्वेश्चन है कि पिछवाइया किस चित्रकला शैली से संबंधित है। हाँ जी प्रदीप मीना जी, मनोहर साहिबुद्दीन बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसका जवाब दीजिए आप, पिछवाइया किस चित्रकला शैली से संबंधित है। तो बताइए भाई, पिछवाइया जो चित्र शैली है ये कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित है। देखिए भाई, इस प्रकार से आपके कोई भगवान का मंदिर होता है, और उस मंदिर में क्या होती है, एक मूर्ति लगी होती है, और मूर्ति भी किसकी, कृष्ण जी की मूर्ति लगी हुई होती है, तब तक आप इसका जवाब दीजिए भाई। हाँ जी सुकर क्षेत्र महात्म्य, अजय सिंह जी सी जवाब दे रहे हैं, कौन से क्वेश्चन का, पिछले का, इसका जवाब दीजिए भाई आप। प्रदीप मीना जी भी, रेखा गुजर जी भी, राजेश पाटीदार जी भी, अशोक कुमार जी भी, प्रदीप मीना जी भी, पुष्पा शर्मा जी भी, पवन शर्मा जी भी, कबू सैनी जी, यानी बी, सभी का जवाब सही है भाई। देखिए ये आपके कृष्ण जी की मूर्ति होगी, इसके पीछे क्या होता है कि एक कपड़े का पर्दा लगाया जाता है, और इस पर क्या होती है, यानी आपके जो पिछवाइयां होती हैं इसमें क्या होता है, जो कृष्ण जी होते हैं इनकी बाल लीलाओं का चित्रण किया जाता है। क्या किया जाता है भाई, बाल लीलाओं का चित्रण किया जाता है, इसलिए जो दर्शक जाते हैं उन्हें कृष्ण जी की मूर्ति भी दिखाई देती है।
अलवर की चित्रकला कौन सी है भाई? अलवर की जो चित्रकला है वो मतलब अश्लील चित्रकला कही कही जाती है अपने, है ना? अलवर की चित्रकला अश्लील चित्रकला शैली कहा जाता है, यानी वैश्याओं के चित्र वहां पर ज्यादा बने हैं। तो देखिए भाई, कृष्ण की मूर्ति के पीछे क्या लगाए जाते हैं, यानी कपड़े पर कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण किया जाता है, और जो दर्शक जाते हैं उन्हें कृष्ण की मूर्ति के भी दर्शन होते हैं, और पीछे क्या होते हैं यानी सुंदर सुंदर कृष्ण की बाल लीलाओं के भी दर्शन होते हैं। और ये कौन सी शैली में होते हैं? सभी का आपका जवाब सही है, नाथ द्वारा शैली में। कौन सी शैली में भाई? नाथ द्वारा शैली में। और सर्वाधिक रंग कौन सा होता है यहां पर? पीला होता है। क्या होता भाई? पीला होता है नाथ द्वारा शैली का सर्वाधिक प्रमुख रंग। और देखिए अब हम बात करते हैं नाथ द्वारा शैली की, तो देख लेते हैं हम इन शैलियों को पढ़ लेते हैं। अब देखिए अपने शैलियां आने लग गई तो इनको हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए नाथ द्वारा शैली में क्या होता है भाई? नाथ द्वारा शैली में जो आपका ये मंदिर बना हुआ है वो कौन से संप्रदाय का है? आपके वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है। कौन से संप्रदाय का मंदिर है भाई? वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है, यानी वल्लभाचार्य ने वृंदावन में आपका वल्लभ संप्रदाय का मंदिर बना होता है। औरंगजेब उस मंदिर को तोड़ देता है, वल्लभ संप्रदाय के वहां के जो पुजारी होते हैं, हाँ जी राजेश पाटीदार जी थैंक यू, तो वल्लभ संप्रदाय के जो वहां के पुजारी होते हैं वो वहां की मूर्तियों को लेकर के कहां आ जाते हैं भाई? अपने राजस्थान में आ जाते हैं, और कुछ दिनों तक क्या करते हैं? आपके जोधपुर में रहते हैं। 1679 में उसने आदेश दिया, और 1671 में कहां पर आ जाता है भाई ये? यानी ये मूर्तियों को लेकर के 1671 तक राजस्थान में भटकते रहते हैं। और फिर क्या होता है? महाराणा राज सिंह ने सिहाड़ गांव उदयपुर में, यानी सिहाड़ गांव राजसमंद में यहां पर इनकी मूर्तियां स्थापित करवा देता है कृष्ण जी की। और यहां पर क्या कर देते भाई? वहां पर कौन सा मंदिर बना हुआ था वृंदावन में? नाथ द्वारा, यानी श्रीनाथ जी का मंदिर बना हुआ था, तो इसलिए यहां पर भी क्या कहलाता है? श्रीनाथ जी का मंदिर कहलाता है। कौन सा मंदिर कहलाता है भाई? श्रीनाथ जी का आपका मंदिर कहलाता है। यहां तक कंप्लीट। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? नाथ द्वारा शैली पर कौन से संप्रदाय का प्रभाव पड़ता है? वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ता है। कौन से संप्रदाय का? वल्लभ संप्रदाय का। अब देखिए किसकी मूर्ति है भाई? कृष्ण की। तो यहां पर कृष्ण का भी प्रभाव पड़ता है। किसका? कृष्ण का प्रभाव पड़ता है। कृष्ण जी क्या रखते थे भाई? कृष्ण जी गाय चराते थे, तो इसलिए कौन सी, यानी यहां पर सर्वाधिक चित्रण किसका हुआ है? गाय का हुआ है, कृष्ण का हुआ है, और वल्लभ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। और यदि हम बात करें यहां पर इसी शैली पर भाई ब्रज, यानी ब्रज का धनी कौन था? आपके भगवान कृष्ण जी थे, तो ब्रज शैली का प्रभाव पड़ता है। और दूसरा नाथ द्वारा शैली यानी किस क्षेत्र में पड़ती है? आपके उदयपुर में, तो ब्रज शैली और उदयपुर शैली का प्रभाव पड़ता है। कौन सी शैली पर भाई? आपके नाथ द्वारा शैली पर पड़ता है। यहां तक कंप्लीट। हाँ जी, पीला व हरा दोनों, लेकिन मुख्यतः कलर कौन सा है? पीला है। पीले को ध्यान रखना, पीला है। मुख्य कलर कौन सा है? यहां पर पीला है। इस प्रकार से आप ध्यान रखना। तो ये हो गई भाई अपने नाथ द्वारा शैली। कौन सी होगी? नाथ द्वारा शैली होगी। और यहां पर यदि हम बात करें तो देखिए भाई, यहां पर कुछ चित्रकार होते हैं। कौन से होते हैं? और उनकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूं कि नाथ द्वारा में भगवान देवकृष्ण के सामने हीरा तुलसी को हरदम नचाऊंगा। ये कौन सी ट्रिक हो जाती है? इसको आप लिख लीजिए, अपनी कॉपी में भी लिख लेना। अब देखिए भाई, अपनी चित्रकला की शैलियां स्टार्ट हो गई, और हम क्या है शैलियों को विस्तार से पढ़ेंगे, है ना? यहीं से हम अपन स्टार्ट कर देते हैं। नाथ द्वारा में भगवान देवकृष्ण के सामने, थोड़ा सा देखिए मैं स्पीड बढ़ाने के लिए राइटिंग थोड़ी सी हल्की सी उल्टी पुल्टी आ रही है ना, तो आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। नाथ द्वारा में भगवान देवकृष्ण के सामने हीरा तुलसी को हरदम नचाऊंगा। तो देखिए भाई, भगवान से कौन सा चित्रकार बन जाता है? आपका भगवान ही बन जाता है। देवकृष्ण से कौन सा बन जाता है? देवकृष्ण बन जाता है। हीरा से कौन सा बनेगा भाई? हीरा राम बनेगा। और यदि हम बात करें तुलसी से कौन सा? तुलसी राम, यानी तुलसी राम लिखिए आप यहां पर, तुलसी राम। ठीक है, राम को मैंने पीले कलर में लिखा, तो एक कौन सा चित्रकार बनता है भाई? अपना रामलिंग चित्रकार बनता है। कौन सा? रामलिंग। और हर से कौन सा बन जाता भाई? हरदेव। और देखिए जैसे क्या हो जाता है अपने चंपाराम और चतुर्भुज। उसे अपने उगमराज, और गासे घासीराम।
ठीक है भाई, इस प्रकार से अपने देखिए यहां पर कुछ चित्रकार बन जाते हैं, तो ये अपनी ट्रिक हो जाती है भाई। कौन सी शैली की? ये अपने ट्रिक हो जाती है नाथ द्वारा शैली के जो चित्रकार हैं उनकी ट्रिक हो जाती है। और यदि हम बात करें इस शैली का जो मुख्य प्रभाव होता है यानी मुख्य विशेषताएं, और मुख्य विशेषताओं की बात करें नाथ द्वारा शैली की, तो उसकी हमारे सामने एक ट्रिक हो जाती है, यानी आपको ट्रिक के माध्यम से सब चीजें याद हो जाएंगी। नाथ द्वारा के हरे पीले केले, यानी नाथ द्वारा के हरे पीले केले गाय व मोर को खिलाओ। तो देखिए नाथ द्वारा के हरे पीले केले कैसे कि कैसे भाई, हरे पीले केले, केले पहले कैसे होते हैं, हरे होते हैं फिर बाद में पीले हो जाते हैं, ठीक है। हरे पीले केले गाय व मोर को खिलाओ, मोर को खिलाओ। अब आप समझ गए कलर यहां पर कौन सा होगा, रंग कौन सा प्रभावी है, हरा और पीला, ठीक है। वृक्ष कौन सा है, केले का है। पशु पक्षी कौन सा है, गाय व मोर है, ठीक है भाई। यहां तक कंप्लीट, बाकी जो अपने शैलियां बची हैं इस क्वेश्चन को हम कल से यानी कल दोबारा से लेंगे इस क्वेश्चन को। किशनगढ़ शैली, अलवर शैली और कोटा शैली के बारे में हम चर्चा करेंगे, और कल रोजाना शाम 6 बजे आप इसी वक्त ऑल एग्जाम लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं आपको आज की ये क्लास बहुत पसंद आई होगी, इसलिए यदि आपको पसंद आई है तो आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि क्लास पसंद नहीं आई है तो आपके सामने स्वतंत्र ऑप्शन है कि आप अनलाइक का बटन दबाएं, ठीक है भाई। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी प्रदीप मीना जी, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राम राम, मिलते हैं कल 6 बजे, थैंक यू।